पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने हिंदुस्तान को फूड सिक्योरिटी दी। पंजाब ने, हरियाणा ने, हिंदुस्तान की सरकार ने ढांचा बनाया था। वो दिन मोदी सरकार, बीजेपी सरकार सब भूल गई है, जब हमारे पंजाब का किसान सारे हिंदुस्तान के लोगों को अनाज ढीठ भरने के लिए देता था। लेकिन आज उसके आज क्या हाल का, काले कानून बनाकर MSP को जो खत्म करने जा रहे हैं, इसके साथ ये सभी वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। जो है हमारी पुरखों की जायदाद है, हम उसको बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी है जो हमारी ना, उनको जिंदा रखने के लिए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। हमारी अपील है, जो हमारी गेहूं है, जो हमारी फसल पैदा करेंगे हम लोग, उसका भाव हमारी मर्जी से लगे। हम फिरोजपुर से हैं, हम किसान हैं। जो बीजेपी सरकार ने, भारत सरकार ने किसानियों के विरुद्ध 3 ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, वो तीनों ही बहुत खतरनाक है, भयंकर हैं। किसानों का बहुत बड़ा नुकसान तय है। ढांचे में 3 खंबे थे, MSP, फूड प्रोक्योरमेंट और मंडी। इन 3 चीजों से हिंदुस्तान को गारंटी करके अनाज मिलता है। कौन देता है? पंजाब और हरियाणा। नरेंद्र मोदी जी इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक उनके मित्र अंबानी, अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों का पैसा नहीं लेंगे। मंडी बंद हो जाएगी बाबूजी, क्या खाएंगे हम तो भूखे मर जाएंगे। मोदी क्या करेगा? तो जब हमारे तो बिहार में काम भी नहीं है, यहाँ पे हम नहीं मिलेगा काम, तो क्या करेगा? जिम्मेदार कमा रहा है तो हम भी खा रहे हैं, जिम्मेदार हमें कमाएगा, कमा लेंगे जिम्मेदार। ये तो कानून गलत कर रहे हैं, मंडी बंद कर दोगे तो पता कहाँ खाएंगे हम? छोटे छोटे मुरादाबाद से बच्चों को लेकर जो पहले सिस्टम चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है जी, हमारे बाल बच्चे जो भी हैं ठीक सिस्टम चल रहा है जी, हम नहीं चाहते भी ये काला कानून पास हो गई। ये कानून गलत है जो तुम मंडी बंद करोगे, मंडी बंद नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। अभी हम जाग उठे हैं, हम जितनी देर तक हमारा ये फायदा नहीं होगा, जहाँ अपना फैसला नहीं होगा, हम टेके नहीं बैठेंगे। तीनों बिलों का विरोध करते हैं, BJP का जो ये बिल वापस लेने पड़ेंगे सर। मोदी सरकार को बता देंगे हम क्या है। ये कानून सरकार आप ही ले लेंगे। लड़कियाँ लड़के धक्के खाते फिरते हैं, कोई नौकरी नहीं मिलती।